आज की इस कविता में बादल राग नामक कविता के छठवें खंड की संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसके संदर्भ के बारे में देख लेते हैं। बादल राग नामक कविता छायावाद के विशेष कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। यह कविता इनकी काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। जब हम इस कविता के प्रसंग के बारे में बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इस कविता में कवि ने बादलों की तुलना क्रांति से करते हुए शोषित वर्ग की आवाज़ को लगातार उठाने का कार्य किया है। आगे कवि निराला कहते हैं कि जिस प्रकार बादलों के आने से छोटे छोटे पौधे तथा किसान प्रसन्नचित होते हैं तथा उनको आने का आह्वान करते हैं, उसी प्रकार क्रांति के आने से शोषित वर्ग भी प्रसन्नचित होता है। इसके विपरीत पूंजीपति वर्ग को क्रांति से बहुत डर लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो शोषितों के धन को एकत्रित करके रखा है उसे कहीं वापस ना करना पड़ जाए। तो चलिए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। तैरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग को जानने का प्रयास करेंगे। तैरती तैरती है समीर सागर वायु रूपी समुद्र, अस्थिर क्षणिक चंचल दग्ध जला हुआ निर्दय बेदर्द विप्लव विनाशकारी प्लावित बाढ़ से। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मर्राते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मर्राती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थाई है। आगे कहते हैं कि यह तेरी रड़तरी भरी आकांक्षाओं से गनबेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर और में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं नए विप्लव के बादल फिर। रड़तरी युद्ध की नौका माया खेल आकांक्षा इच्छा कामना भेरी नगाड़ा सजग जागरूक सुप सोया हुआ अंकुर बीज से निकला हुआ नन्हा पौधा उर हृदय ताकना अपेक्षा से एकटक देखना। कवि निराला कहते हैं कि बादलों की युद्धरूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई हैं। बादल संसार के जली हुई हृदय पर निर्दय प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। कवि कहता है कि हे बादल, भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर छोटे छोटे पौधे भी सजग हो जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। हे विप्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं, अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती हैं। कवि निराला आगे कहते हैं कि बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर वज्रहुंकार, आशा निपाती से सजग सत्साहित उन्नत सतसत वीर, क्षत विच्छत हताचल शरीर गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। चलिए वर्ड में नहीं देखते हैं। वर्षण बारिश मूसलाधार जोरों की बारिश, हृदय थामना भयभीत होना घोर भयंकर वज्र हुंकार वज्रपात के समान भयंकर आवाज, असनिपात बिजली गिरना सापित साप से ग्रस्त उन्नत बड़ा सतसत सैकड़ों विक्षिप्त घायल हत मरे हुए अचल पर्वत गगन गगन स्पर्शी आकाश को छूने वाला स्पर्धाधीर आगे बढ़ने की होड़ करने हेतु बेचैनी। कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलाधार बारिश करते हो, तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज़ को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं। कवि निराला आगे कहते हैं कि हंसते हैं छोटे लघुभार सबसे अपार, हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रौ से छोटे ही हैं शोभा पाते।
वर्ड मीनिंग देखते हैं। लगभार, हल्के, सस्य, हरियाली, अपार, बहुत, रव, शोर। कवि निराला कहते हैं कि जब पूंजीपतियों के माल छत बिछत हो जाते हैं, इसके विपरीत जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वे हंसते हैं, वे उस बिना से जीवन प्राप्त करते हैं, वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर तथा हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटी प्राणियों का ही लाभ होता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्नवाद दलित वर्गों को अपने अधिकार मिलने के पूरे चांसेज रहते हैं। आगे अपनी कविता में कवि निराला कहते हैं कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन, छुद्र पर फुल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सहसों का सुकुमार शरीर। वर्ड मीनिंग देखते हैं, अट्टालिका अटारी या महल, आतंक भवन भय का निवास, यक कीचड़ प्लावन बाढ़, क्षुद्र तुच्छ छोटा प्रफुल्ल खिला हुआ प्रसन्नचित, जलज कमल नीर पानी, शोक दुख सहसौ बचपन, सुकुमार कोमल रुद्ध रुका हुआ, कोस खजाना क्षुब्ध कुद्ध तोस शांति। कभी कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं हैं अपितु बल्कि ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। भयंकर जल पलावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। यही जल अब कमल के पंखुड़ियों पर गिरता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। निम्न वर्ग के बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग व कष्ट की दिशा में भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। वे क्रांति होने में भी प्रसन्न रहते हैं। आगे कहते हैं कवि की रुद्ध तोष है, रुद्ध कोष है, क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनि वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। रुद्ध रुका हुआ, कोष खजाना, क्षुब्ध कुद्ध तोष शांति, अंगना पत्नी, अंग शरीर, अक गोद, वज्र गर्जन वज्र के समान गर्जन, त्रस्त भयभीत। कवि निराला कहते हैं कि पूंजीपतियों ने आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर रखा है, उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। वे अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए अर्थात प्रेमिकाओं से लिपटे हुए हैं, फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर कांप रहे हैं। विक्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं तथा शर्म के मारे वह बाहर नहीं आना चाहते हैं। इस कविता के लास्ट पर अगर आपने कवि निराला कहते हैं कि जीड़ बाहु है सीढ़ शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ऐ जीवन की पारावार। जीड़ पुरानी, शिथिल बहु भुजा, सीढ़ कमजोर, कृषक किसान अधीर व्याकुल, विप्लव विप्लव विनाश, सार प्राण हाड़ मात्र केवल हड्डियों का ढांचा, पारावार समुद्र। कभी कहता है कि हे बादल, हे विप्लव रूपी बादल, शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, उसका शरीर कमजोर हो गया है, वह शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व चूस लिया है, अब वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। हे जीवन की दाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। इसी के साथ कवि निराला की जो व्याख्याएं हैं वह समाप्त होती हैं। हम इस कविता के कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। जैसे कवि ने किसान की दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया है, यह प्रथम था। सेकंड, विद्रोह की भावना का वर्णन किया है। थर्ड, शीर्ण शरीर में अनुप्रास अलंकार है तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। मुक्तक छंद है। संबोधन शैली का भी प्रयोग है। चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। इसी के साथ
कवि निराला की छठवें खंड की व्याख्या भी समाप्त होती है जो कि बादल आग से संबंधित है। अब हम निराला के बाद मुक्तिबोध को पढ़ा चुके हैं, तो इसके बाद नागार्जुन, कवि नागार्जुन को देखने का प्रयास करेंगे। नागार्जुन की भी कविताएं हिंदी साहित्य के इतिहास में, विशेषकर आधुनिक काव्य में, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए इस चैनल पर, आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। जय हिंद, धन्यवाद।